अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से आलू के गोला कबाब। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें कुछ टाइम के लिए इमली को भिगो कर रख देंगे। 5-6 आलुओं को बॉईल करके अच्छे तरीके से उनको मैश कर लेंगे। यहाँ पर हम मसाले लेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। इसके बाद तमाम मसाले जो हैं वो आलुओं में ऐड कर लेंगे। इसके बाद 2-3 टेबलस्पून जो है वो अनारदाना ऐड करेंगे। इसमें दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर उसको ब्रिक ब्रिक काट कर वो ऐड करेंगे। बंद गोभी, हरा धनिया, 2-3 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे ब्रिक ब्रिक काट कर। यहाँ पे जो इमली आपने भिगो कर रखी थी उसका जूस ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से सारा जूस ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इस सब को आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तमाम चीज़ें जो है वो आपस में अच्छे तरीके से मसाले और बाकी सब कुछ मिक्स हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। इसके अब आप गोला कबाब बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे तमाम गोला कबाब जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। आप इनकी शेप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें क्रिस्पो ऐड करेंगे, लाल मिर्च, नमक, 2 अंडे ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बिल्कुल मीडियम से आंच पे इसको रखेंगे। गोला कबाब को आप डिप करेंगे और पैन में रख देंगे, बिल्कुल धीमी सी आंच हो। जब इसके एक साइड लाइट ब्राउन हो जाए तो आप इसके साइड चेंज कर दें। यहाँ पे जो है वो इनकी एक साइड पक चुकी है। ये देखिए मज़ेदार से गोला कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। घर पर ज़रूर बनाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। अपने रिव्यूज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।